आप आराम करेंगे तो आपकी कंपनी पे ताला नहीं लगेगा, समझे? ओए तुम होती कौन हो? वो कौन है ये बंदर? वाह, ये डॉक्टर शर्मा है, आपकी नई फिजियोथेरेपिस्ट। इस घर को आपकी जरूरत है, इस परिवार को आपकी जरूरत है, पा को आपकी जरूरत है। भाभी मैं तुम्हारी फैमिली में किसी और से कभी नहीं मिलूंगी, ऋतिक के सामने भी नहीं आऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। That's my promise. पलक सीरियसली, तुझे विजयपथ की जगह और कोई पेशेंट नहीं मिला पूरी दिल्ली में? Mom, we need to talk. रिकी, दो मिनट बात कर लूं। It's gonna take one. रिकी रुक जाओ, बहुत जरूरी बात है। मैं दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुंबई। कब लौट रहे हो? नहीं लौट रहा हूँ, मैं मुंबई सेटल होने जा रहा हूँ। भैया आप माँ को ऐसे हाल में छोड़ के कैसे जा सकते हो? What do you mean? अपनी मरती माँ को छोड़ के चला जाएगा ये। What's happening? See, you do care. बेटा चला जाएगा तो माँ तो जीते जी ही मर जाएगी। Really mom? And why are you even surprised? शिवम आ गया, संभाल लेगा। आप खुद ही कहते हो कि मैं कितना बड़ा फकअप हूँ। मैं पूरा नालायक हूँ ये आप भी जानते हैं, माँ भी जानते हैं, मेरे रिपोर्ट कार्ड भी जानते हैं। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। क्यों जा रहा है बेटा? आप तो जानती हैं, why are you pretending? ये शहर नहीं चला जाता मुझसे। Everything about this city haunts me. या कि हर गली में, हर कॉर्नर में कोई ना कोई यादें छुपी हुई हैं और यादों को भुला नहीं पा रहा हूँ मैं। सो यादें भुलाने के लिए दूरियां मिटानी पड़ती हैं। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मैं दो दिन में चला जाऊंगा। शिवम, दो दिन में चला जाएगा, लेकिन कैसे होगा? हम कहां से लेकर आएंगे पलक को? दो दिन में ये परिवार एक साथ कैसे होगा? इस घर की खुशियां कैसे आएंगी? शांत हो जाइए आप, और आप ये सब मत बोलिए, आप भरोसा रखिए मुझ पर। कैसे करोगे शिवी? आई डोंट थिंक कि वक्त मुझे इस बार भी मौका देगा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। होगा, सब होगा। कैसे मिल्कशेक? चॉकलेट, बट आई डोंट वांट इट, आई वांट इट स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के बच्चे लगाऊं मैं तुझे? बताना चाहिए था ना स्ट्रॉबेरी चाहिए पहले। बोला था आपके असिस्टेंट को। ये शैतान बच्चे ऊपर से काम करने के लिए कोई नहीं मेरे साथ। क्या हुआ? कभी स्ट्रॉबेरी कभी चॉकलेट, स्टोरी ऑफ माय लाइफ। यू नो व्हाट, आई एम सो ग्लैड इनका एडमिशन हो गया है। कल से दोनों स्कूल जाएंगे तो आई एम रिलीव्ड। वैसे एक बात पूछूं, तू जी और दिया को क्या बताती है कि इनके पापा कौन है? यही कि कुछ बच्चों के डैड होते हैं और कुछ बच्चों के नहीं होते। जब पूछेंगे तब? तो उस दिन का उस दिन देखेंगे। शिट, क्या हुआ? क्या वो मिस्टर उनके जो सेशन, वो शहंशाह जिनके लिए मैं काम करती हूँ, उनके सेशंस के टाइमिंग्स जो है ना, वो दिया और जिया को स्कूल कैसे लेना था, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे ले जाऊंगी, कैसे छोड़ूंगी। तो कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने शहंशाह के सेशंस लेने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी दासी है ना यहाँ पे, तुम्हारी राजकुमारी को ले आएगी स्कूल से। राइट जिया? ओके मासी, बट आई एम नॉट अ प्रिंसेस, आई एम अ टीपॉट। ओके ओके, टीपॉट फाइन, आई विल गेट यू। थैंक यू मासी। तो फिर क्या डिसाइड किया? आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस समवन, प्लीज। हाँ सही है, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। भाई तू भी मत सुन मेरी बात, वैसे भी कोई नून मेरी बात सुनता ही कहाँ है। मैंने किसी की नहीं सुनी, अपनी किस्मत से भागती रही, छुपती रही,
और अब मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई, मेरा टेस्ट लेने शायद। अजीब है, मैं अपनी नई लाइफ की शुरुआत वहीं से करने जा रही हूँ जहाँ मैंने अपनी पुरानी लाइफ एंड की थी। पुरानी लाइफ का तो वैसे भी दी एंड हो चुका है मेरे। That's it यार, I can't fake it anymore। तू पापा जी से क्या कहेगा? तू कहेगा बेटा। मैं कुछ नहीं कहने वाला पापा जी से। पापा जी से कहना कि ऋत्विक अपना बिजनेस एक्सपेंड करने जा रहा है, मुंबई से ऑपरेट करेगा और वो शिवम यहाँ से बिजनेस संभालेंगे। मतलब तू सच में नहीं मानेगा राइट? मेरे लिए कुछ रखा नहीं है यार, हो सकता है मेरी किस्मत मुझे कहीं और मिला रही हो। भाई मैं क्या बोलूँ पता नहीं है, सीरियसली। देखिए सुनना यार, आज एक दिन यार, आज वैलेंटाइन डे है और मुझे सेतु को ना बाहर ले जाना यार। बच्चों प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए एक मिनट है, गेट इन, छोटू को लेके अंदर जा। यार ये बच्चों ने परेशान कर दिया, इनके पास यार बेबी सिटर नहीं टिकती, तो इनका फेवरेट अंकल है, प्लीज हेल्प मी, आ जाना यार आज के दिन। मुझे शिवम को पूरा बिजनेस समझा रहा है और everything else has to be sorted in 2 days. I don't think I can do this. Please Ricky, please. I'm kneeling in front of you. Please कर दे यार। इस गरीब आदमी के मोहब्बत को समझो यार। तुझे देना सेठ वैलेंटाइन की कसम। मांगने नहीं जाते तो करने नहीं चाहिए था ना इतना। Idiot. See you soon. अंकल, आयु और शौर्या ने आयन को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्या? अबे बेटा चालू तो नहीं किया ना? एक मिनट चल। वाओ, मासी, लवली। मासी, आप तो बड़े रिच हो। It's just a house, baby. इस बात में तो चॉकलेट शेक बनता है। Sure. अरे, अरे, क्या हुआ? ए, ए बेटा, अरे नालायक को, भाई ये तुम्हारा कपड़ा नहीं है, कोई बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालता है? What? God, अयान, my baby. Oh my baby. हमें लगा मुझको नहला दे, आपके पास बहुत कम होते हैं ना, और मॉम भी कितनी थकी रहती है ना। How sweet. सेतु जी, इन्हें ज़्यादा चढ़ाओ मत, कल को अगर वॉशिंग मशीन में डाल के बटन चालू कर दिया ना तो हम धुल जाएंगे। रोहित, चलाने से तो कुछ नहीं होगा ना। बेबी वैसे बेबी सीटर मिल गया आज शाम के लिए, वी कैन गो फॉर वैलेंटाइन। आर यू ट्रीटिंग मी? या आई मीन इन तीन शैतानों के लिए एक बहन मिल जाएगी ना। मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अरे बीवी, बहुत मुश्किल से बेबी सिटर मिला है आज। मिला है मतलब? मिल गया मतलब। ये प्यारी प्रिंसेस कौन है? वो मेरी दोस्त है ना पल्लवी, उसकी बेटियां हैं। शी जस्ट गॉन फॉर वर्क सो शी ड्रॉप देम हियर। बट हु पल्लवी? वो है ना मेरी योगा वाली फ्रेंड, याद है? 6 किड्स। हेलो, या श्योर, आई विल बी देयर। या अर्जेंट काम आ गया मुझे, फटाफट ऑफिस जाना पड़ेगा। आई सी यू एट द रेस्टोरेंट। और हाँ, एक काम करो, बेबी सिटर को सब कुछ एक्सप्लेन कर देना और चेंज करना। हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू, बाय। 6 बच्चे मतलब, रिकी तो गया। यू मिस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ओ, ये कौन लाया यहाँ पे? मेरा कोल्ड लेजर डिवाइस कितने का? आपको परमानेंटली ठीक होना है या आपको टेम्पररी रिलीफ चाहिए? You need it for some activity. Madam, आप शायद ये भूल रही हैं कि ये आपकी डिस्पेंसरी नहीं है, विजयपथ नून का कैबिन है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका कैबिन, बट ये आपको चाहिए। तू देखी खलोता है क्या मेरा लंच का? घर से बैंगन का भरता आया। नहीं, आप बैंगन का भरता नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आप बैंगन का भरता नहीं खा सकते। नाइट शेड वेजिटेबल्स में सोलानाइन होता है, आपके जॉइंट पेन्स को एग्रीवेट करेगा। आप वही खाएंगे जो मैंने आपके डाइट पे लिखा, जाके लेके आइए। ओए, खाना मैंने खाना कि तूने? मैं नहीं करता तेरी डाइट वेट, गेट आउट। इवन बेटर, मत खाइए, वेट भी लूज हो जाएगा। लुक यंग लेडी, आई डोंट नीड यू हियर, व्हाई डोंट यू जस्ट गो? क्या है ना सर, आपके बेटे ने मुझे पे किया है जॉब करने के लिए, तो मैं तो अपना काम करूंगी। चलिए, द साइकिल इज वेटिंग फॉर यू। आई हैव अ बिजनेस प्रपोजल फॉर यू। मेरे बेटे ने तुम्हें जो भी पे किया है, आई विल पे यू डबल, जस्ट गेट आउट। सर, मैं ट्रीटमेंट की फीस लेती, भागने की नहीं। चलिए, द साइकिल इज वेटिंग फॉर यू। देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेटिंग फॉर मी। आज से आपके फिजियो आ रहे हैं, प्लीज रिस्पेक्ट माई टाइम एज आई एम रिस्पेक्टिंग योर कंडीशन। चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आई विल रिस्पेक्ट योर टाइम। तू भी दीदी तो मैं भी दीदी, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, नहीं चाहता जो करने कर ले। ऑल राइट, आप यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करते। हाँ हाँ, पहुँच गया घर, मर मत। वेट, सुन, 3 बच्चों की बात हुई थी, ये 2 बच्चे कर रहे हैं। कॉल बैक, कॉल बैक। ओए ओए।
कितने भारी हो गए तुम लोग? मामू ये है दिया जिया। नहीं वो है दिया वो है जिया, देखो तो कुछ पता ही नहीं है। प्यारे नाम है, आप दोनों सुमेरा की फ्रेंड है? नहीं नहीं ये हमारे फ्रेंड है। अंकल आप बुक में आते हो? मैगजीन में शायद, आपने देखी है मेरी मैगजीन? नहीं मैंने तो आपकी फोटो देखी थी। गुड मेमोरी जिया। जिया नहीं दिया, पन्नी ने मैं ना दिया जिया दिया जिया। आर यू ओए ओए सॉरी सॉरी नो फाइटिंग। अब काफी खतरनाक हो आप जिया। आर यू लड़कियों से ऐसे बात करते हैं? सॉरी बोल। सॉरी। सॉरी तो भी बोल। सॉरी। अंकल हमें अपने घर जाना है और हमें अपना प्रोजेक्ट भी बनाना है। मॉम तो घर पे है नहीं, हेल्प कौन करेगा? तो वापस से फेल क्या करें? डोंट वरी आप फेल नहीं होंगी। क्या करना है? 25 मफिन्स बेक करने हैं हमारे स्कूल के लिए, हमारी क्लास पार्टी के लिए। 25 मफिन्स फॉलो मी। जब तक आप अपनी 15 मिनट्स की फिजियो एक्सरसाइज नहीं फिनिश करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। बूढ़े आदमी को भूखा मारेंगे क्या? ओए मंटू, मंटू मर गया क्या? मत बुलाइए किसी को, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई एंटर नहीं करेगा। You're welcome, sweetheart. अब तो हम क्लास में फर्स्ट आएंगे। गिरे होते आप कभी फेल नहीं हो सकते। अब आप हमें घर छोड़ दो। कहाँ है आपका घर? मसूरी। मसूरी जाना पड़ेगा? नहीं हम नए आए मसूरी से। दिल्ली वाला घर सही तो मुझे को ना पता है। मुझे पता है इनका घर कहाँ है। यहाँ पे दीपिका पादुकोण की बड़ी सी पोस्टर है। तुझे पता है दीपिका पादुकोण की शादी हो गई? वो तो फिल्म में हुई है। नहीं सच्ची में हो गई बाजीराव से। बेटा दीपिका पादुकोण के बड़े बड़े पोस्टर्स तो पूरे शहर में लगे होंगे ना, आप अपनी मॉम का नंबर बताइए। उठा नहीं रही है, दोबारा ट्राई करता हूँ। हेलो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि बेबी सिटर ऋत्विक है। ऋत्विक हाय। हाय। हद हो गई यार। Actually, I had a great Valentine with these kids. हाँ। And you know what? Sethu is telling me, रिकी को इतने सारे बच्चों के साथ क्यों छोड़ गया? Of course, it's insensitive on your part. यार वो फंस गया। फंसा दिया तुमने उसको। It's like. मासी। मासी। अब आप हमें घर छोड़ दो ना। हाँ। And you know what, रिकी? जब से इसे पता चला है ना कि बेबीसिटर तू है, पारा चढ़ा हुआ है इसका। इन बच्चों को घर जाना है, इनकी मॉम फोन नहीं उठा रही है। मैंने कोशिश की। ये बच्चे रहते कहाँ? I'll drop them. नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगी इनको, डोंट वरी। सुनो बच्चों, तुम एटलीस्ट आज से अपना एड्रेस याद कर, ओके? थैंक यू अंकल। एनी टाइम। रिकी व्हाई डोंट यू हैव डिनर एंड गो ना, खाना खा के जाओ, मैं इन्हें ड्रॉप करके आती हूँ। गुड आइडिया। नेक्स्ट टाइम। चले समारो। थैंक यू किड्स। मॉम हम भी चले? नो। चलो बाय बोल दो सब। बाय। बाय। हाँ प्लैक्स क्या कांड किया? पलक दी एक्चुअली ना आई ट्राइड कुकिंग बट वो जल गया, आप प्लीज मेरे लिए बाहर से खाना ला सकती हैं? चलो बाय। थैंक यू। हाउ वाज द डे डॉक्टर? एक्चुअली ये तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा एंड आपको फायर भी नहीं किया। ही सीम्स ओके। आप अच्छा आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट बियान दिया, उनकी स्कूल में मैंने बात कर ली है, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली, मैंने उनके स्कूल में अब
पार्ट टाइम जॉब ले लिया है स्पोर्ट्स फिजियो, तो वहीं पे पढ़ेंगे बट अगेंस्ट माय मेडिकल सर्विसेज. वन सेकंड. हाँ सेतु बोल. निकल गई तू? मैं जिया दिया को लेके पहुंच रही हूँ. हाँ मैं बस निकल रही हूँ, जस्ट रैपिंग अप. अच्छा लिसन, टेल मी नाउ अ गुड प्लेस टू पिक अप फूड. ये ब्रैग ने खाना जला दिया. हेवन्स अप, नई जगह है, यू लाइक इट? हेवन्स अप नया खुला है और गुड फूड. मेरा और सेतु का फेवरेट. आई एम श्योर यू विल गोना लाइक इट. अरे बट इट्स नॉट फॉर मी, समायरा के लिए. उसने एकदम से जिद कर दी कि उसको पास्ता खाना है. हाँ तो तेरे घर के सामने ही आता है, ले ले. ओके ऑलराइट थैंक्स, बाय. How to get ex, love, birds together. When love is real, it finds its way. Hi, this is Ritwik Noon. I had ordered something on the phone. Hi. Yes, ma'am. I would like to place an order for a pasta. Ladies and gentlemen, boys and girls, आज प्यार के सेलिब्रेशन का दिन है, वैलेंटाइंस डे. और प्यार तो हर तरह का होता है. कोई जता के करता है और कोई मन में, कोई बता के करता है और कोई दूर से. किसी का प्यार उनके करीब होता है और किसी का प्यार बस उनकी यादों में. वो प्यार जो यादों में स्ट्रांग रहे, वो प्यार जिसकी खुशबू दूर से भी महकती रहे. उस प्यार का भी एक अपना अलग ही मजा है, अपना दर्द और अपना ही सॉन्ग है. सो टुडे लेट्स सेलिब्रेट हर उस प्यार को जो यादों में है, प्योर है, जो अकेले रह के भी अकेले नहीं रहने देता. फॉर ऑल दोज लवर्स जो लोगों से घिरे तो हुए हैं पर हैं फिर भी अकेले. हेयर इज टू यू फाइंडिंग योर लव.